अब आप ताजमहल जैसी 100 से भी ज्यादा ऐतिहासिक इमारतों का घर बैठे दीदार कर सकते हैं। कुछ ऐसा ही करने की ख्वाहिश में भारतीय पुरातत्व विभाग ने दुनिया की जानी मानी आईटी कंपनी गूगल से हाथ मिलाया। अमर प्रेम की जीती जागती इमारत ताजमहल का दीदार भला कौन नहीं करना चाहेगा। हजारों लोग हर दिन इसको देखने आते हैं, लेकिन बहुत से लोग ऐसे भी हैं जो इसके दीदार की हसरत मन में रखे रह जाते हैं। लेकिन अब वो दिन दूर नहीं जब आप घर बैठे ही ताजमहल के अंदर घूम सकेंगे। जी हाँ, कुछ ऐसा ही करने की ख्वाहिश में भारतीय पुरातत्व विभाग ने दुनिया की जानी मानी आईटी कंपनी गूगल से हाथ मिलाया है। एक 360 डिग्री में मॉन्यूमेंट को एक विजुअल दिखाने के लिए, और उसके साथ गूगल के साथ हमारा मंत्री जी का एक टाई अप हो गया था, उसके एमओयू भी बन गया। इसी के मुताबिक फर्स्ट स्लॉट में हम लोग सारी इतनी इंटरनेशनल मॉन्यूमेंट, नेशनल प्रोटेक्टेड मॉन्यूमेंट है एएसआई का, उसको गूगल में 360 डिग्री में दिखाने के लिए फर्स्ट फेज में 100 मॉन्यूमेंट को पहले हम लोग लिस्ट किया था, वो 100 मॉन्यूमेंट को लिस्ट इनको दिया है। एएसआई के मुताबिक देश भर में 100 ऐतिहासिक इमारतों का स्ट्रीट व्यू तैयार करने का काम चल रहा है। अभी तक 30 इमारतों का वर्चुअल 3D व्यू तैयार हो चुका है। मिनिस्ट्री ऑफ टूरिज्म ने गूगल के साथ टाई अप करा है और काफ़ी कुछ गूगल कर रहा है, यानी कि जितने भी वर्ल्ड हेरिटेज मॉन्यूमेंट्स हैं और बाकी मॉन्यूमेंट्स भी हैं और सिटीज़ भी हैं, एक पूरा रूट मैप आदमी को हमारी इंडिया टूरिज्म की वेबसाइट पर मिल जाएगा। एएसआई की पहल से देश के टूरिज्म सेक्टर से जुड़े लोगों को काफी उम्मीदें हैं। इनका मानना है कि गूगल पर भारतीय स्मारकों की 3D स्ट्रीट व्यू से लोगों को भारत के बारे में काफी कुछ जानने को मिलेगा। सिद्धार्थ, दिल्ली आज तक। इस बुलेटिन में इतना ही, आप बने रहिए दिल्ली आज तक के साथ।